मुरादाबाद के नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर में करीब एक दर्जन से अधिक हैंडपंप खराब पड़े। सरकार व आला अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं इस और नगर से सटे हुए करीब 20 ग्राम पंचायत हैं, जो कि हजारों की तादाद में यहां पर व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है, जबकि पिछले कई माह से नगर के दर्जन भर हैंडपंप खराब हो गए हैं और लोगों को पीने की पानी की समस्या से सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नगर पंचायत भोजपुर में मुरादाबाद ठाकुर द्वारा रोड पर स्वच्छ भारत अभियान द्वारा शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। ये शौचालय सरकार ने मुसाफिरों के लिए बनाए हैं, लेकिन जब इन शौचालयों का निर्माण हुआ था पर इन पर अभी ताले लटके हुए हैं, जो कि सरकारी योजनाओं को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सभी योजनाएं सिर्फ कागजों पर चल रही हैं, हकीकत में इनकी स्थिति बद से बदतर है। भोजपुर में और भी बहुत सारे नल खराब पड़े हुए हैं। तो आपने पूरे नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर में कितने नल खराब हैं? अभी इसका तो बताया नहीं जा सकता, देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लगभग 10-12 हो सकता है कि होंगे खराब। ये जो नलों की ये स्थिति है, ये मीडिया के माध्यम से हमें आज प्राप्त हुई है। अब हम इन पर जाँच करेंगे, देखेंगे क्या शिकायत है, नलों में क्या समस्या है। जो समस्या होगी उसे जल्द से जल्द हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे। ये थाने के सामने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बने हुए हैं, उसमें लगातार ताले लटके रहते हैं, क्या कारण है? वो एक्चुअली हमारे नज़र में आया था, हमें पता चला था कि हमारा जो कर्मचारी है वो कुछ एक्सीडेंटल हो गया है, उसकी चोट वोट लग गई है, ठीक है। लेकिन उस समस्या को हम आज देखेंगे कि बाकी में वो ठीक है या ठीक नहीं है। आज थोड़ा इस पर हम ध्यान देंगे और कोशिश ये करेंगे, ताले तो कभी लगेंगे ही नहीं। थोड़ा बहुत 2-4 मिनट के लिए कोई व्यक्ति खाना खाने चला जाए अलग बात है, लेकिन वहाँ ताले नहीं। मुरादाबाद से ये थी मोहम्मद सावेज अंसारी की रिपोर्ट।